अक्षय कुमार ने शेयर की अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पिक्चर जिसमें उन्होंने इनवाइट किया अपने फैंस को टू जॉइन हिम एंड द टीम ऑफ हिज न्यू मूवी गुड न्यूज सॉन्ग लॉन्च इन अ वेरी यूनिक कॉम्पिटिशन। अनन्या पांडे ने शेयर की अपने न्यू लुक की पिक्चर, लेट्स टेक अ लुक। अर्जुन कपूर ने शेयर की अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरें एज ही अराइव फॉर द प्रमोशन ऑफ हिज अपकमिंग फिल्म पानीपत। जिनेलिया डिसूजा ने शेयर की कुछ अडोरेबल पिक्चर्स ऑफ हर सन्स पोस्ट बर्थडे। पूजा हेगड़े ने शेयर की फन वीडियोस विद द स्टार कास्ट ऑफ हाउसफुल 4 एज दे वर सीन एंजॉयिंग द सक्सेस ऑफ द फिल्म ऑन द सिल्वर स्क्रीन। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू अनाउंस की है अपनी आने वाली फिल्म बॉबिस्वास, जिसे डायरेक्ट करेंगी दिया अन्नपूर्णा घोष और इस फिल्म में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन एज बॉबी बिस्वास। काजोल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए प्रेसेस एंड कमेंट्स ऑन हर लेटेस्ट फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर। Karan Johar was seen flaunting his fashionable side as he was prepping up to be on the red carpet of the Emmys this year. Kriti Sanon ne shared ki kuch pictures as she was seen promoting Panipat wearing a white ensemble with oxidized jewelry. Malaika Arora ne shared ki kuch pictures and videos as she was seen reuniting with her previous work buddies. Shraddha Kapoor ne apne social media par share kiya BTS video of her upcoming magazine photo shoot. Let's take a look. शिल्पा शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया अ वीडियो फॉर ऑल द फैशन लवर्स आउट देयर। टाइगर श्रॉफ ने दिखाया अपना स्पॉटी साइड ऑन हिज सोशल मीडिया। विकी कौशल ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू बताया कि शूटिंग के दौरान किस तरह एडवर्स कंडीशंस में भी वो कर रहे हैं शूट। गुड मॉर्निंग कुमार जी। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? वेरी नाइस। आप इस प्यारी प्यारी ठंड में इतने प्यारे प्यारे इग्लू बन के घूम रहे हैं। आई लव यू नो कोल्ड, यू नो इन इंग्लिश काइंड ऑफ कोल्ड, इंडिया इज हिंदी कोल्ड, हियर इज इंग्लिश कोल्ड। सर वो क्या है कि एक्टर ऑलवेज हॉट। सर आपसे ज्यादा कोई हॉट नहीं है। I don't need to give me smoke. Smoke is coming already from the mouth. So, I'm enjoying. You're enjoying? Yes. Watch E Town News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.